बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काजमी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बड़ी अहम खबरें हैं, बड़ा तफसीली वीलॉग होगा आपके साथ। तहरीके इंसाफ में पशीन में जलसे की तैयारी इस वक्त अरूज पर है। दरो दीवार खान की वॉल चौकिंग तस्वीर से भर चुका है। यहां पर खुशहाल काकड़ हैं, जहूर आगा हैं, महमूद अजगजई हैं, इन लोगों की बड़ी अहम हमायत है। इसके अलावा आज शेर अफजल मरवत में लकी मरवत में भी बहुत बड़ा शो किया और ये ऐलान किया कि खान की रिहाई के लिए पंजाब की तरफ जाना होगा। अवाम से बाकायदा पूछा कि मार खाने के लिए भी तैयार हो, तो लोगों ने कहा तैयार हैं। खान के केसेस में अगला हफ्ता खास तौर पर सोमवार मंगल बुध तीनों बड़े अहम केसेस इख्तितामी मरहल की तरफ हैं, उसकी मैं तफसील बताता हूँ। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के बारे में झूठी खबर फैलाई गई, बाकायदा तौर पर फीड की गई और वो तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। ये मामला बड़ा अहम मामला और इसके साथ पंजाब के जो आई जी, उन्हें ज़बरदस्ती क्या फारिग किया जाएगा, वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं या मामला क्या उनके कंट्रोल में नहीं रहे कि इदारे के अंदर से इस्तीफ़े का मुतालबा है, वो भी ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और अभी एक और थाने पर भी हमला हुआ, उसकी तफसील क्या है, किसने किया। जस्टिस अतर मिनोला ने 6 जजेस के मामले पर इजाफी नोट के साथ जो इंक्वायरी कमीशन का मामला खोल के रखा और उसके साथ ही फिर नून लीग और इदारों की तरफ से जस्टिस अतर मिनोला के खिलाफ स्पेशल कंपेन आज लॉन्च करवा दी गई। बहावल नगर का वाकया वही हुआ जो मैं कह रहा था, तहरीक इंसाफ पर डालेंगे, उन्होंने डाल दिया। हालांकि 3 आला अफसरान इसमें मुलविस हैं। ईरान अमरीका इसराइल तनाज़ा बढ़ गया। 24 घंटों के अंदर जो डेड लाइन नज़र आ रही है मुस्लिम ममालिक के लिए, खास अहम सूरत हाल, कौन कौन से अहम ममालिक हैं अमरीका को जहाँ से हवाई अड्डे मिल सकते हैं, जहाँ से ईरान पर हमला मुमकिन है। आज ये बड़ा अहम किरदार जो जरदारी और ईरानी सदर की फ़ोन पर बातचीत भी हुई और इससे बात कर। लेकिन सबसे पहले जो एक अहम खबर जो फीड की गई बाकायदा तौर पर, कल के वीलॉग में मैंने आपको साकिब बशीर साहब के हवाले से खबर दी थी और उसके बाद फिर डॉक्टर मोईद पीरज़ादा ने भी इंटरनेशनल इदारों को कोट किया था, उनकी भी अपनी खबर नहीं थी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो उन्होंने नमाज अदा कर दी, मैंने भी फिर बताया। लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी की जो साहबजादी हैं मेहरबानो कुरैशी, उनकी वालिद से जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने जिक्र किया कि अडयाला जेल में ईद के मौके पर वो भी थी, उनके बच्चे थे, उनकी वालदा थी और इन्होंने वाज़े तौर पर कहा, बताया कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ईद की नमाज नहीं अदा करने दी। दोनों फजर के वक्त तैयार होकर बैठे रहे। जैन कुरैशी ने भी बात की कि सिक्योरिटी वजूहत का बहाना बना दिया गया। वैसे तो इंसान के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। कल रात मैंने जावेद हाशमी साहब से भी ये बात कन्फर्म की थी, वो आपने सुना होगा। अब कुछ लोगों का गिला शिकवा भी आया कि शायद कुछ ऐसी दबाव के तहत हम सब लोगों से खबर बनवाई गई, लेकिन ये इंग्लिश अखबारात में भी खबर आई है, इंटरनेशनल इदारों को भी कोट किया गया। अब शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ने जो जेल में कैदियों के साथ नमाज पढ़ी, गले लगाई, ये खबर बनाई गई, बताई गई और फीड की गई। बड़ा अहम मामला जो है, साकिब बशीर बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, गलती हो सकती है। माजी में देखें ये, इसकी अगर तफसील बताऊँ तो हिंदुस्तान की आज़ादी की जदोजहद के अंग्रेज़ तहरीक आज़ादी के मुसलमानों पर, उन रहनुमाओं पर ये जुल्म करते थे। उनकी मुहिबुल वतनी तोड़ने के लिए उन्हें जानबूझकर मजहबी अकायद से रोका जाता था। मौलाना सैयद अहमद मदनी की बड़ी खूबसूरत किताब है असीर माल्टा, अगर वो आप पढ़ें तो उस वक्त जो शेखुल हिंद थे मौलाना महमूदुल हसन साहब, उन्हें नमाज नहीं पढ़ने देते थे बाकायदा तौर पर। जिस तरह इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी सुबह सवेरे फजर के वक्त तैयार होकर बैठ गए, जिस तरह हम सब तैयार होते हैं कि नमाज पढ़ेंगे, इसी तरह शेख महमूदुल हसन भी तैयार होकर बैठ जाते थे। वहाँ कैदी पूछते होते थे मौलाना साहब आपको तो नमाज उन्होंने पढ़ने ही नहीं दी, तो ये तमाम और तैयारी किस लिए, क्यों बन ठन कर बैठ गए। तो मौलाना साहब का जवाब ये होता था, वही बात जो इमरान खान ने भी की, कि कोशिश हमारी है अल्लाह के दरबार में खुद को सच्चा साबित करने के लिए, हम तैयारी करके बैठ गए, अब जो हमारे वतन पर काबिज़ हैं इस वक्त वो नमाज ना पढ़ने दें वो जाने और मेरा रब जाने। तो जिन्होंने नमाज रोका उन्हें अगर ये लगता है कि इन ओछे हथकंडों से खान टूट जाएगा, तो याद रखें कबूल अल्लाह ने करनी है नमाज, वो बिना पढ़े भी कबूल कर लेते हैं। और जिन्होंने तस्वीरें खिंचवा के सरकारी सतह पर नमाज का अदा की, उनकी नमाजें भी कबूल नहीं हो सकती, ये उसकी मर्जी है। देखिए जब रियासत इस किस्म के इकदाम पर आ जाए तो आप समझ लें कि अब इनका ये आखिरी वक्त है, क्योंकि ये बराह रास्त अल्लाह के कामों में मुदाखलत है। मामून रशीद खलीफा था, मैं आपको वाकया सुना दूँ इमाम बिन जुम्बल का, वो 60 साल की उम्र में थे। महमूद रशीद ने ऐलान किया कि आज के बाद कुरान पाक को अल्लाह का कलाम जिसने कहा या लिखा उसकी गर्दन उड़ा दो। बड़े बड़े मुहद्दिसीन उलमाए कराम उस दौर में शहीद हुए। इमाम अहमद बिन जुबल बुजुर्ग थे, उम्मत की रहनुमाई का काम था। इमाम को भी बड़ा डराया गया, 60 कोड़ों की सजा भी दी गई, जेलों में कैद किया, जंजीरों में बांध दिया। एक वजीर को तरस आया, वो मुफाहमत करने आ गया, डील करने आ गया, जैसे आपको पता ये जाते हैं। उसने कान में इमाम अहमद बिन जुबल को कहा कि आप कह दें कुरान अल्लाह का नहीं मखलूक का कलाम है, बादशाह से आपकी सिफारिश करा कि आपकी जान छुड़ा देता हूँ। अहमद बिन जुबल ने उसे जवाब दिया कि मेरे कान में ये कहोगे, मैं तुम्हारे कान में कहता हूँ कि ये अल्लाह का कलाम है मखलूक का नहीं, मैं तुम्हारी सिफारिश रोज़ महशर अल्लाह से करूँगा। उसके बाद फिर इमाम अहमद बिन जुबल को कह दो बंद में रखा गया और 21 साल है ये उसके बाद जिंदा रहे। फिर बाद में मोतसम बिल्ला आ गया, वो बड़ा ज़ालिम आदमी था, उसने भी इमाम अहमद बिन जुबल पर बड़ा जुल्म सितम किए। लेकिन ये देखें ये इमाम मानने वाले किसके थे, नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इन्होंने पूरा ख़ानदान दे दिया,
ظلم اور جبر کے سامنے، باطل کے سامنے حق سر نہیں جھکایا، بیعت نہیں کی. تو یاد رکھے یہ نیکی اور بدی کی ایک لڑائی ہے. اب اس چیز سے ثابت ہوتا ہے، ہار جیت اس طرح نہیں ہوتی. میں ابھی کھانے ایک جگہ گیا، وہاں پاکستانی نوجوان ملے، کہنے لگے الیکشن میں بڑا زور لگایا جی، بڑی جان ماری، ووٹ ڈلوائے، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی کریں گے. میں نے کہا خیر اگر آپ نے خان کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے کیا پھر تو مایوس ہو جاؤ، لیکن اگر حق اور سچ کا ساتھ دیا اور آپ کا ضمیر مطمئن ہے تو پھر خم ٹھوک کے میدان میں کھڑے رہو. یہ لڑائی اقتدار کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی پاکستان کی بقا کی لڑائی ہے. جو بھی ظلم و ستم کرے گا اس کو انجام یاد رکھے. ابھی پولیس والوں کا حال دیکھ لیں. میں نے عمران خان کے مخالفین کی پوری ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے، وہ میں کس دن آپ کو بتاؤں گا. ہر وہ شخص جس نے خان پر ظلم و ستم کیا، اسے دھوکہ دیا، اور ان کا انجام میں نے لکھا، وہ سارے نام میں آپ کو گنواؤں گا. لیکن یہاں پر آپ لوگ بھی جانتے ہیں وہ جو زیادتی کر گئے، اور مجھے سب سے بڑا خطرہ بھی یہ ہے اللہ نہ کرے ان کا انجام یا یہ نہ ہو جو خان کے مخالف اس وقت، کیونکہ ان کے انجام سے پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے. پاکستان نہیں بچ سکتا ان کا انجام اگر 1971 والا ہوا. آپ کو یاد ہے جو ہاں ان کے ساتھ ہوا تو اس وقت ایک پورا حصہ چلا گیا. اس لیے میں نہیں چاہتا، اللہ چاہے انہیں عقل دے، اور انہیں آپ کو پتا جس طرح چھانگا منگا رحیم یار خان میں افسوسناک واقعے ہو رہے ہیں، عوام اور پولیس آمنے سامنے آئے، لوگ تھانے پر دھاوا بول رہے ہیں، پولیس والوں کی وردی میں پہنے ہوئے جو سلوک ہو رہی ہے، دیکھ کر خوف آتا ہے اور دل سے دعا ہوتی ہے اللہ یہ انارکی پاکستان میں نہ لائے. آپ یقین کریں ایک دفعہ یہ پھیل گئی تو پھر کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا. یہ رحیم یار خان کا معاملہ، ابھی انتظار پنجوتا صاحب کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے تھانہ صدر ہے رحیم یار خان اس کے بارے میں عوام جو تھانے پر چڑھ دوڑے، وہاں پر جو املاک تھی انہیں نقصان پہنچایا. ان کے مطابق تو بظاہر وجہ نہیں ہے، میں نے چیک کیا ہے مختلف رپورٹس ہیں. رحیم یار خان میں دو برادریوں کی بھی لڑائی کی بات چیت چل رہی ہے کہ دو خاندانوں کی لڑائی میں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور مخالف گروپ جو تھانے میں حملے کے لیے پہنچ گئے. اب یہ دیکھیں سوچنا یہاں پہ کہ عوام کا ہاتھ کیوں کھولا جا رہا ہے، اسے روکنا چاہیے تھا، لیکن یہ طاقت سے نہیں رکتا، یہ لوگوں کو آئین اور قانون کی بالادستی سے رکتا ہے. یہ قانون روکتا ہے، پولیس نہیں روکتی. ان واقعات کا سدباب کرنے کی ضرورت ہے، بجائے یہ کہ تحریک انصاف پہ ڈال دو، انہوں نے ڈال دیا ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، اداروں کے درمیان تصادم کی کوشش کر رہے ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی فہرست بنا کے پنجاب سے 10 لوگ گرفتار کر لیے، یہ پنجاب پولیس کو جی مشتعل کر رہے ہیں. ابھی بھی کوئی مزید لسٹیں بنا کے جس میں 100 اکاؤنٹس کو ہوں گے ایکس کے، ٹویٹر کے، 200 پیجز فیس بک کے، کچھ 600 ٹک ٹاک کے، مختلف اس طرح کے. حالانکہ اتنے سادے ہیں ہمارے عوام کے ادارے کے آپس میں لڑ پڑے لوگوں کے کہنے میں، لوگ پولیس کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، خود پولیس کے اندر بھی لوگوں کے غصہ شدید ہے. پولیس کو چاہیے کہ وہ اس کا جواب دیں. وہ جواب کیا دیں؟ عوام کو بلا وجہ تنگ کرنا چھوڑ دیں، بغیر وارنٹ چادر چار دیواری کا پامال چھوڑ دیں، جھوٹے پرچے جو انہوں نے 9 مئی میں بنائے خود عدالت میں جا کے بتائیں یہ سب جھوٹ ہے، جو ان کے پاس گرفتار ہیں ان کی لسٹیں دیں، ان کی جو گلو خلاصی کریں، انہیں جان چھڑائیں ان سے، تو عوام پھر ان کی اصل حمایت میں آئے گی. دیکھیں ابھی اسٹیبلشمنٹ کی یہ سازش عوام کے سامنے آ گئی، لوگ سمجھ گئے انہوں نے کیوں ہارے ہوئے اس طرح کے لوگ پنجاب پہ مسلط کیے خاص طور پر، نااہل بڑے افسران کو کیوں میڈل اور ایوارڈ دیتے رہے کہ اس طرح 9 مئی کے واقعات بنائے جائیں. فی الحال تو دیکھیں پولیس والے خاموش ہیں، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اب انہیں نیم برہنا کر کے لوگوں کے سامنے پیدل مارتے ہوئے اسپتال لے کے جائے، کان پکڑائے، زخمی پولیس افسروں کو بھی مارا، ڈاکٹروں نرسوں کو بھی پنجاب میں. اور یہ ہم لوگوں کو خوشی کوئی نہیں ہے اس میں، پولیس تو خود آپ کو پتہ ہے گنڈا گردی کی ایک بڑی مثال ہے، لیکن اب یہ پولیس والے بھی چن چن کر بدلہ لیں گے. یہ جعلی پولیس مقابلے کرتے ہیں، ڈاکو بنا بنا کے مارتے ہیں، ان کی نفسیات ہے، اس کی وجہ ان کا ماضی آپ کی تاریخ دیکھیں، انہوں نے ہمیشہ ایسے ہی بدلہ لیا. اور پولیس کو مارنے والوں کو بھی یہ پتا تھا کہ چونکہ عوام اب ان سے شدید نفرت کر رہی ہے پولیس سے، تو انہیں پھینٹی لگا کہ ہم عوام سے ہمدردی لیں، لیکن الٹا ہو گیا کام، ہمدردی لوگوں کی اب پولیس کی طرف چلی گئی، اب یہ ویڈیو سے لگائی گئی، وہ الٹا نقصان ہو گیا ان کا. بہرحال یہ معاملہ چلتا رہے گا. خان صاحب کے کیسز کا ذکر کروں، عمران خان کے جو احتجاج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دیکھیے آج عمران خان کے جو فوکل پرسن ہیں انتظار پنجو ہوتا، انہوں نے ہی کہا کہ اگلا ہفتہ جو ہے خان کا بڑا اہم ہے. لیگل کیسز 3 ہیں، ایک عدت کا کیس ہے، آپ کو پتا ہے سوموار کو خابر مانیکا کا وکیل ہے وہ رضوان عباسی پروسیکیوٹر، وہ جو اب بدنامی زمانہ، منگل کو سائفر ہے پروسیکیوشن کے دلائل ہیں، 17 تاریخ جو بدھ کو القادر ٹرسٹ ہے. ان کیسز میں دیکھیں اب آنے کے لیے حل یہی ہے، قانونی پہلو کے ساتھ ساتھ، قانونی محاذ کے ساتھ، کہ عوام کو اپنی سپورٹ دکھانی ہوگی تاکہ ججز کو نظر آئے، پرامن انداز میں عوام نکلے گی تو ججز کو پیغام مل جائے گا. پشین میں جو جلسہ ہے اس کی تیاری مکمل ہے. ابھی لکی مروت میں شیر افضل کا بیان سن رہا تھا کہ پنجاب کی طرف لوگوں کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں، بلوچستان خیبر پختونخوا سے بھی آپ کو پتا یہ تحریک شروع ہوگی، اور اگر پنجاب کی طرف آ کے ختم ہوئی تو یہ معاملات اس وقت تک حل ہو جائیں گے، جس طرح ججز کی عدلیہ تحریک بحالی کی تحریک تھی. اب سپریم کورٹ میں بھی 6 ججز کا معاملہ انکوائری چل رہی ہے، اس پہ بھی بہت سارے سوالات. مطیع اللہ جان نے ایک بڑا اہم سوال اس پہ اٹھایا کہ قاضی فائز صاحب کے حوالے سے کہ یہ باقاعدہ طور پر تحریک انصاف کا بلہ چھیننے کا معاملہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پہ کیا گیا، اسطور نے بھی یہ بات کی، دونوں کورٹ رپورٹرز ہیں. قاضی صاحب کو انہوں نے کٹہرے میں کھڑا کیا کہ اگر آپ IG صاحب کو بلا سکتے ہیں تو پھر ISI کے DG کو بھی بلا دیں، عہدے تو برابر ہیں.
अब मतीउल्लाह जान ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट काजी साहब के लिए सवाल रखे हैं। उसने काजी साहब ऐसे सोशल मीडिया तो नहीं देखते, लेकिन उम्मीद है नई खबर मिल जाएगी, कोई खबरें नहीं मिल जाती हैं इस तरह की। अभी कुछ लोग खान की जेल और मरियम नवाज़ साहिबा की जेल की और फरियाल तालपुर की जेल की बातें कर रहे हैं, लेकिन याद रखें मरियम नवाज़ कुछ दिन के लिए जेल में थी और ए क्लास में बराह रास्त जनरल फैज से रबते में थी, जो बज़ाहिर नूरा कुश्ती खेलते रहे आपस में अभी तक, लेकिन फिर जस्सा अख्तर मीनाल्लाह से 50 रुपये के स्टाम्प पर जो जनरल फैज ने दबाव डालकर नवाज शरीफ की जमानत करवाई एयरपोर्ट तक छोड़ के भी आए। फरोग नसीम उस वक्त उनका वजीर था, आपको पता है तहरीक इंसाफ का एमकेएम का वजीर था, इसने झूठी रिपोर्ट बनाकर खान को कायल भी किया कि देखें जी ये तो बड़े बीमार हैं। फिर बाजवा साहब के कहने पर काजी फायज पे वो जो रेफरेंस बनाने वाले हैं, तो आज भी काजी फायज जो बुग्ज़े इमरान में थे उसी रेफरेंस की वजह से, उसी जेल की वजह से हैं। तो उनकी जेल में बड़ा फ़र्क है, इनकी तो जेल भी ऐसे जैसे इनके 800 रुपये के कपड़े हैं, हालांकि आपको इनके दो दो पर्स की कीमतें गुची और लुई वटान की, एक की $12,000 है, एक की $8,000 है, अभी पाँव में जूती 3,51,000 रुपये की जूती थी। तो ये शाही मोहल्ले का खानदान, और माफ़ कीजिएगा शाही रियासत का खानदान है, जो सूट एक दफ़ा पहने ये दोबारा नहीं पहनते, अक्सर बेशतर इनकी कनीज़ें पहनती हैं। आपने देखे होंगे मरियम नवाज़ साहिबा की शादी के बाद जो कपड़े थे वो बांटे गए थे, बाकायदा उनकी तमाम कनीज़ों ने पहने हुए थे वो। बहरहाल ये इनका वो मसला था, एक छोटा सा मैंने कहा आपको बता दूँ। अब जो खिते में इसका सबसे बड़ा अहम मामला चल रहा है, अगले 48 घंटे 24 से 48 घंटों का अल्टीमेटम है ईरान अमरीका इसराइल का, वो खिते में अमरीका इजाफी फौजी सामान भी साजो सामान भी जमा कर रहा है, इसराइल की तरफ से तैयारियां भी सामने नज़र आ रही, बाकायदा तस्वीर जारी होगी। कुवैत और कतर ने दोनों ने अमरीका को साफ साफ कहा है कि हम अपनी फ़जाई हदूद भी नहीं देंगे और मिलिट्री बेसिस भी ईरान के खिलाफ हमले में नहीं देंगे, और ये बहुत बड़ा मामला है यकीन करें। कतर का तो पता है, कुवैत का अलबत्त बहरहाल पता लग ही जाएगा कभी। ईरानी सदर की आज जरदारी से भी बात हुई, बयान तो पाइपलाइन का आना, लेकिन ईरान को पाकिस्तान से भी सबसे बड़ा खतरा यही है कि यहाँ से इनकी मिलिट्री बेसिस है, जो अभी नजम सेठी साहब ने ऐलान भी किया, तो ईरान को खतरा है वहाँ से कि हमला ना हो जाए, हमें कुछ सपोर्ट इधर से ना इनको मिल जाए, तो ये मामला बड़ा होगा कि पैसे भी चाहिए पाकिस्तान को। तो ईरान के हमले के पेश नज़र इस वक्त इसराइल में जो सफारतकार हैं उन पर पाबंदियाँ हैं मूवमेंट्स पर। अभी 11 दिन पहले शाम में आपको पता है हमला हुआ था, अमरीका इसराइल ने ईरान का नाम लगाया, और ईरान के ईरान अब 100 से ज़्यादा ड्रोन क्रूज़ मिज़ाइल और बैलिस्टिक ये सारे इकट्ठे कर रहा है, और इसराइल में उनके फौजी अहदाफ को निशाना बना सकता है। अब जो बाइडन इस हमले की देखें साफ स्टेटमेंट दे चुका है बड़ी वाजे कि 24 घंटे का ख़तरा है और इसराइल की रियासत की सलामती की आहनी दीवार हम बनेंगे। अब मशरक़ वस्ती में जो सेंटा कॉम इनका जो माइकल एरक किराला है वो भी इसराइल जा चुका है, बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा है उसकी भी, डेविड कैमरन की भी, वो तो जंग रोकने की बज़ाय बात कर रहे हैं। टोनी ब्लिंकन भी चाइना सऊदी अरब तुर्की के साथ उनके वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें कर रहे हैं। ये मामला बहुत बड़ा है, इसलिए याद रखें अमरीका में इलेक्शन है, और जो बाइडन ने अभी वहाँ स्टूडेंट्स को जो कर्ज माफ़ किया $7,004 अरब एक लॉलीपॉप दिया, अमरीकी इलेक्शन हमेशा जब भी करीब आता है चढ़ाई का मामला जो ये करवाइत रही है, तो ये इलेक्शन जीतने के लिए अवाम को कोई ना कोई ऐसे लॉलीपॉप देते हैं, सियासी खेल है बड़े अरसे से जारी है। इस सूरत हाल में इसीलिए 24 से 48 घंटे बड़े अहम हैं, और सूरत हाल इसलिए भी कशीदा है कि देखें रूस ने, हिंदुस्तान ने, अमेरिका ने, बरतानिया ने, फ्रांस ने, इन तमाम ममालिक ने अपने शहरियों को मिडल ईस्ट जाने से रोक दिया और वार्निंग जारी कर दी खासतौर पर इसराइल के लिए। तो अब ये अमरीकी एजेंसियों ने बाकायदा तफसील से बताया कि उन्हें आज कल कभी भी किसी भी वक्त मामला जो है वो आगे जा सकता है, और अगर ये मामला गया तो ईरान आपको पता है एक स्टैंड अलोन कंट्री है दरमियान में मिडल में बिल्कुल, उसके इर्द गिर्द जो मुल्क हैं मतलब जैसे कतर की मैंने बात की, कुवैत की बात की, सऊदी अरब में मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की, इसी तरह पाकिस्तान में बेसिस की नजम सेठी साहब कह चुके हैं, और अफगानिस्तान में थी अब वहाँ नहीं, तो ये जो बेसिस बनी हुई है इर्द गिर्द ये बड़ा ख़तरनाक काम है। इसके जवाब में ईरान की बहुत सी जो प्रॉक्सीज फैली हुई है पूरे मिडल ईस्ट में वो, अब इसीलिए उन्होंने अपने देखे अमरीका ने और सही ने अपने अपने सरखाने भी इस तरह खाली करवा लेने हैं वहाँ से, उनके वहाँ पर यही मफादात है या उनके मिलिट्री बेसिस ही हैं। लेकिन ये मामला अगर खुदा ना खास्ता बढ़ गया और अमेरिका के इलेक्शन है, आपको पता है उन्हें तो बाइडन को तो इसके पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है, बयानियां नहीं है उसके पास, जिस तरह नवाज शरीफ के पास कोई बयानियां नहीं था तो उसके पास भी कोई बयानियां नहीं है। मईशत तबाह बर्बाद है, हालात खराब है, जीतने के लिए इलेक्शन होने चाहिए, और ट्रंप जो है वो एंटी वॉर बंदा है, वो किसी सूरत में जंगों को हमायत नहीं करता, तो इसीलिए वहां पर अमरीकी आवाम तो जंग में अब जाना ही नहीं चाहती क्योंकि वो तंग पड़ गए डॉलर दे देकर इन जंगों में, तो उनके अपने हालात इस वक्त टाइट। आप देख लें कि स्टूडेंट्स के ऊपर 7,004 अरब डॉलर कर्जा था सिर्फ उनकी तालीम का जो हुकूमत से लेकर वो पढ़ते हैं, तो वो बाइडन ने आज माफ़ किया, इतना बड़ा कर्जा उनका, तो ये इसीलिए लॉलीपॉप दिया गया है कि जाने से पहले इलेक्शन से पहले वारदात की है। तो ये चीज़ें जो है वो उनका इंपैक्ट सारा हुकूमतों पे आएगा, जिसका अल्टीमेटली प्रेशर पाकिस्तान पे, जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं आपको पता है डॉलर चाहिए, और जब कोई लड़ाई की लग जाए
तो इनकी तो वैसे ही लॉटरी लग जाती थी इस पहले माजी में। आपको याद होगा कि जितने मिलिट्री डिक्टेटर्स आए उनके दौर में जो तरक्की आपको बज़ाहिर नज़र आई वो इसी तरह जंगों में से कमाया गया माल था, और उसमें तरक्की आवाम की तो होती नहीं, उनके अपने अकाउंट्स पे इस बैंक भर जाते हैं। बाजवा साहब हो गए, उनसे पहले वाले जितने भी साहब गुजर चुके हैं उनके देखें, अख्तर हुमायूं जो हुमायूं अख्तर के वालिद हैं जनरल अख्तर अब्दुलरहमान, उनके अकाउंट्स देखे, उनके बड़े बड़े अकाउंट्स भरे हुए स्विस बैंकों में। तो ये इनको फ़ायदा हो जाता है अल्लाह ताला, लेकिन आवाम जो है बीच में कुचली जाती है, अल्लाह ताला उसको महफूज करे। और अब ये जो पशीन से मामला शुरू होगा तरीके इंसाफ के एहतजाज का, अगला हफ्ता बड़ा अहम है ये जो शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहमो करम करे और इन तमाम मसाइल से जान छुड़ाए, जल्दी जल्दी आगे की तरफ तरक्की करें और हम भी आगे, जिस तरह हिंदुस्तान देखें कहाँ से कहाँ पहुँचता जा रहा है। अपना ख्याल रखें, मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।